हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मावलीज रसोई। पौष्टिक आंवले से क्या बनाना है आप सोच रहे हैं, तो चलिए मावलीज रसोई में आपके लिए बन रहे हैं आंवले से खट्टे मीठे अचार। हमारी आज की रेसिपी है आंवले का मुरब्बा। इलायची पाउडर, शक्कर, आंवला, जैसे बड़े आंवले मैंने किसके लिए हैं, 4 आंवले मैंने बड़ी साइड से किसके लिए हैं। हम आंवला लेंगे और शक्कर, आपको जितना मीठा पसंद है आप उस हिसाब से शक्कर कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिला के लेंगे। ये सब हम कम आंच पर करेंगे। उबाल आ चुका है, हमारा मुरब्बा बनकर तैयार है। अभी हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, ठंडा होने के बाद में ये चिटा पड़ जाएगा। आपको पसंद है तो आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं। हमारी रेसिपी बनकर तैयार है। हमारी आज की रेसिपी है आंवले का अचार। हम आंवला इस तरह से उबाल के लेंगे। हमारे आंवले उबल चुके हैं, हमने इस तरह से सब कलियां अलग कर ली हैं। अभी हम 10 से 15 मिनट के लिए नैपकिन पे सुखा के लेंगे। 1 चम्मच से हमने मेजरमेंट लिया है, 1/2 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच राई की दाल, 1/2 चम्मच मेथी दाना, 2.5 चम्मच सौंफ, लाल मिर्ची है आप अपने हिसाब से लीजिए, नमक और आंवला मैंने 1/2 किलो लिए हैं। हमने 1.5 कटोरी तेल लिया है, गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो गैस बंद करके हम पहले सौंफ डालेंगे, मेथी दाना, कलौंजी, हींग डाल के ठंडा होने के लिए तेल रख देंगे। हमारा तेल थोड़ा गुनगुना है, इसमें अभी हम राई की दाल डालेंगे, हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, अच्छी तरह से मिला के ले लीजिए। ये मसाला हम सब आंवले पे डाल देंगे। अच्छी तरह से मिला के ले लीजिए। हमारा आंवला का अचार बनकर तैयार है। आज की तीसरी रेसिपी है आंवले की लौंजी। हमने 12 आंवले लिए हैं, हींग, काला नमक, नमक, कलौंजी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, काली मिर्च पाउडर, हल्दी और गुड़। हम आंवले उबाल कर लेंगे। हम आंवला इस तरह से उबाल के लेंगे। हमारे आंवले उबल चुके हैं, हमने इस तरह से सब कलियां अलग कर ली हैं। अभी हम 10 से 15 मिनट के लिए नैपकिन पे सुखा के लेंगे। अभी हम आंवले की लौंजी बना कर लेंगे। हमने तेल ले लिया है 1 चम्मच, अभी इसमें हम कलौंजी डालेंगे, 1/2 चम्मच कलौंजी ली है मैंने। अभी हम जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, अभी हम आंवला डालेंगे। अच्छी तरह से मिला के लेंगे। हम
सब धीमी आंच पर करेंगे। अभी हम इसमें मसाला डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, आपको जितना तीखा पसंद है आप उस हिसाब से डालिए। नमक, हम नमक थोड़ा डालेंगे, काला नमक भी डालना है। काला नमक, काली मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, सब हम अच्छी तरह से मिला के लेंगे। हमने सब अच्छी तरह से मिला के ले लिया है। अभी हम गुड़ डालेंगे। आपको जितना मीठा पसंद हो आप उस हिसाब से डालिए। हमारा गुड़ पिघल चुका है, हम धीमी आंच पर पका के लेंगे। 5 मिनट तक और पकाएंगे। हमारी रेसिपी बनकर तैयार है।